और डर ही नहीं तो जिंदगी ही नहीं। जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, तो जो बच्चे हैं सर उनकी काफी खड़बड़ाहट बढ़ सी रही है ना, कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट से हमें बहुत डर लग रही है, हमारा क्या होगा, सर हमारा इस सब्जेक्ट में कमजोर हो गया था, इस सब्जेक्ट मेरी से नहीं बन पाई थी, इस सब्जेक्ट हमारी वीक थी, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों को, पर कोई बात नहीं है बच्चों को मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना गाइड करूंगा कि देखिए बच्चों, डर तो होना एक स्वाभाविक सी बात है, आदमी को डर होनी चाहिए, है ना। अगर डर ही नहीं तो जिंदगी ही नहीं। कहते हैं कि बिन डर जिंदगी सोनी असून सोनी सोनी सी लगती है। तो जब आपका डर नहीं है तो जिंदगी भी सोनी है, इंसान को डरना चाहिए, है ना। तो आपको डर लग रही है वो स्वाभाविक सी बात है, उससे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, है ना। और जो आपका रिजल्ट है सर, तो एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा गांव घर में कि धनुष से निकला बाण और मुंह से निकली हुई आवाज दोबारा वापस नहीं आती। तो मेरे साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपने कॉपी में जो भी लिखा है, आपने कॉपी में जो भी लिखा है सेम उसी का रिजल्ट आएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं आएगा, है ना। नहीं आपकी कॉपी का कोई क्वेश्चन चुरा लेगा और ना ही कोई क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है सर। मीन्स आपने अपने आंसर शीट में जो अपना आंसर लिखे थे वो आंसर कोई चुरा नहीं लेगा और ना ही कोई उसमें डाल देगा, ना ही कोई लिख देगा, ठीक है सर। बट बच्चों की घड़बड़ाहट होती, क्योंकि कुछ बच्चे बनाकर भी कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं है, है ना। आपको डरने की बात नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो हम आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल लाइव चेक करेंगे, चेक कराएंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप कोई भी प्रॉब्लम ना लें, कोई भी प्रॉब्लम से ना जूझें। इसलिए मैं बिल्कुल लाइव में आपका रिजल्ट दिखाऊंगा और टेंशन भी ना लें, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ, जब मेरा भी रिजल्ट आने वाला था तो हमें भी काफ़ी डर सी लग रही थी, है ना। पर कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए, और फिर से ऐसे ही मैं मोटिवेट करूंगा आप लोगों को एक आध दो और वीडियोस दे करके, और बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा, और आपके भी और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, है ना, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा वीडियो के माध्यम से। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए हैं सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।